Hey everyone, welcome to Candid Treat and I'm back with another paneer recipe. और आज की ये रेसिपी होगी पनीर दो प्याज़ा की. और जैसा कि इस रेसिपी का नाम है दो प्याज़ा, तो इसमें प्याज दो तरीके से पड़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को. तो इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया. और यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ ग्राइंड नहीं करना है. तो यहाँ पर आप प्याज को ग्राइंड करने के लिए फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इसे स्मूथ ग्राइंड ना करें. और यहाँ पर मैंने 2 प्याज के परतों को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है. और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है और 3 टमाटर की प्योरी ली है. और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया. आप किसी भी साइज़ में से काट सकते हैं. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले और उसमें डाले 4 से 5 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर ले 30 से 40 सेकंड के लिए. और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल दे पनीर के टुकड़े और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर ले जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए. लेकिन इसे बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी. और पनीर को फ्राई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाने पर हार्ड हो जाते हैं और ये खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं. और इसे पकाने में आपको 40 से 50 सेकेंड लगेंगे दोनों तरफ से. और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है, ये हल्का गोल्डन है. तो आप इसे दूसरे साइड से भी इतना ही पकाएं. तो यहाँ हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसे हमें निकाल लेना है तेल से. और पनीर को निकालने के बाद इसी तेल में हमें प्याज के क्यूब्स को भी फ्राई करना है और इसे भी हाई फ्लेम पर फ्राई करें. और इसे भी फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे. इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रंच भी बना रहे. और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हुआ है. तो इसे आप निकाल लें तेल से. और अब इसी तेल में डाल दें 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 हरी इलायची और थोड़ी सी जीरा और 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्च. और अब इसमें डाल दें कुटी हुई अदरक लहसुन, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया है. और अब इसमें डाल दें प्याज. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये प्याज स्मूथ ग्राइंड नहीं है, ये रफली ग्राइंड है और आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आप प्याज को मिक्सर में डालें, आप इसे रुक रुक कर ग्राइंड करें, जिससे कि आपको ये रफली चॉप प्याज मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनेगा. और इसे हाई स्पीड पर ना करें, इसे मीडियम टू लो स्पीड पर करें. तो यहाँ प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब नमक, या फिर उतना डालें जितना कि आपको पसंद हो. और डालें 1 टेबलस्पून हल्दी और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें. और इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं और इसे बीच बीच में चलाते भी रहें. और इसे 5 से 6 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं, जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए. और यहाँ पर 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा गोल्डन हो चुका है. और उसके बाद इसमें डालें 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून के करीब चीनी. और इन सभी को अच्छे से मिक्स करें. और अब प्याज को मसालों के साथ 10 मिनट के लिए और पकाएं मीडियम फ्लेम पर. और यहाँ मसालों को पकते हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं. अब इसमें डाल दें टमाटर प्योरी और इसे भी अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं और इसे बीच बीच में चलाते भी रहें. और यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद इसका कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है और ये बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है. और अब यहाँ पर डाल दें 50 से 60 ml के करीब पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर दें एक बार. तो यहाँ अभी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, तो इसमें 40-50 ml के करीब पानी और डाल दें और इसे भी अच्छे से मिला लें. और अब इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें. और अब इसमें डाल दें फ्राई किए हुए प्याज और उसके बाद डाल दें इसमें पनीर. और
और अब इसमें सब कुछ डालने के बाद इसे ढक करके हमें 15 मिनट के लिए पकाना होगा मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ हमारी ग्रेवी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया और ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और हमारी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। सो हमारा पनीर दो प्याज़ा हो गया है रेडी। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ। और अगर आपको इसकी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।